किसी की जान की कीमत आप पैसे से लगा सकती हो? अमृत काल है ये, तो ये अमृत काल में कोई जवाब दे नहीं है, इसीलिए मेरे धर्म से आप मत जाओ, इसीलिए मैं आपको टारगेट करता हूँ। भाई हम जनता ही जिम्मेदार है, महंगाई बढ़ती है तो उसका जिम्मेदार हम जनता है, सिलेंडर का भाव बढ़ता है तो हम उसके जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री जाता होता है हम उसके जिम्मेदार हैं, पुल टूटता है हम उसके जिम्मेदार हैं। तो आज इस गवर्नमेंट में कौन इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दे रहा है वो देखना है, क्योंकि लॉकडाउन में भी हमने देखा कि जिस ट्रेन को कलकत्ता जाना था वो बिहार पहुँच रही थी। आपके पास तो पत्रकारिता का स्किल नहीं है, लेकिन पत्रकार तो बन गई हो ना, क्या कर केस कर दूंगी, मैंने तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे देखा था, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान हमारे बच्चों को हमारे देश को पढ़ाओगी तुम? भैया कोई जिम्मेदार नहीं है, हम जनता जिम्मेदार। अच्छे दिन के नाम पर एक कच्चे दिन बची है, एक कच्चा बचा है, हमारे देश का माहौल खराब मत करो, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जादूगर पहुँच गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब सीधा हो जाएगा। नमस्कार, मैं शिखा, अभी मेरे साथ मौजूद हैं कलीम शेख। कलीम शेख का चेहरा तब सबके सामने आया जब से पहलवानों का यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर में धरना शुरू हुआ। हालांकि वो बेटियों के समर्थन में लगातार बोलते आए हैं और उन तमाम मुद्दों पे ये बात करते हैं जिस पे ज़्यादा लोग बात करने की कोशिश भी नहीं करते। कलीम शेख जी, आप अभी यहाँ पे मौजूद हैं मेरे साथ, और आपने सुना होगा कि कल लगभग शाम के वक्त 3 ट्रेन के टकराने से एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, 300 लोगों की जाने गई हैं, 700 लोग घायल हैं, उड़ीसा का ये मामला है, और इसमें लोग तमाम लोग जो विपक्षी पार्टियां हैं और जनता जो है वो सवाल पूछ रही है कि किसकी गलती है? सरकार की है, क्योंकि इनको बनी बनाई ट्रेनें चलाने नहीं आती है, क्योंकि लॉकडाउन में भी हमने देखा कि जिस ट्रेन को कलकत्ता जाना था वो बिहार पहुंच रही थी। अच्छा, आपने सुना भी होगा। मैंने सुना है, मैं सफर भी कर चुकी हूं। कर चुके हो ना, तो जिस ट्रेन को बिहार जाना था वो कलकत्ता जाती थी, और आज जो ट्रेन हादसा भी हो गया, तो देखिए बाकी के तो इसीलिए मैं उस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ जो पहले के जो मंत्री होते थे, जैसे कि बहुत सारे लाल बहादुर शास्त्री जी को ले लीजिए, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था नैतिकता को के आधार पर, और खुद नीतीश कुमार जी भी रेल मंत्री थे तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। तो आज इस गवर्नमेंट में कौन इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दे रहा है वो देखना है। नहीं नहीं, तो पहले आप तुरंत इस्तीफा की बात करते हैं। हाँ, इसलिए कि जिसकी गलती है वो जिम्मेदारी ले। नहीं, गलती उस समय वहाँ पे जो कार्यरत थे उनकी भी गलती हो सकती है, हो सकता है कुछ ऐसा चूक हुआ, पहले जांच तो होने दीजिए। मैं ये मानता हूँ कि आप मीडिया वालों को मतलब बुरा नहीं मानिए, मैं ये मानता हूँ कि आप मीडिया वाले जो है ना, ये आप लोग सिर्फ क्या दिखता आप लोगों को कि कैसे ही कैसे सरकार को डिफेंड किया जाए। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि आप मीडिया वाले ही तो जिम्मेदार हो कि एक्चुअल दिखाई है ना, किसी मीडिया पे हमने ये नहीं देखा कि शास्त्री जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था तो कोई इस्तीफा की मांग करे। तो वो बात कुछ और थी, आज भारत अपना 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, अमृत काल है ये, तो ये अमृत काल में कोई जवाब दे नहीं है। अच्छा ठीक है, शायद अमृत काल में जवाबदारी सरकार की ना होती हो। नहीं होती है, क्योंकि आप लोग सुनिए ना, आप लोग को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मोरबी हादसा हुआ था, तो आप ही मीडिया वाले जनता को जिम्मेदार ठहरा दिए थे, बोले प्रशासन भी जिम्मेदार नहीं है, आपको पता भी होगा। और अभी आप फिर ट्रेन हादसा हुआ है तो अभी आप वही हिसाब से बात कर रही हो कि मोदी जी जा तो मोदी जी भाई, हम जनता ही जिम्मेदार हैं, महंगाई बढ़ती है तो उसका जिम्मेदार हम जनता हैं, सिलेंडर का भाव बढ़ता है तो हम उसके जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री जाता होता है हम उसके जिम्मेदार हैं, पुल टूटता है हम उसके जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदारी हम जनता लेते हैं। ठीक है, आपने तो गिना दी सरकार की बुराइयां, लेकिन बुराइयां नहीं है, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। नहीं नहीं, आप क्यों लेंगे कलीम जी जिम्मेदारी, कहने का मतलब पहले सुनिए। आपने चार पांच चीजें गिनाई, लेकिन मैं आपको अब चार पांच चीजें गिनवाती हूँ। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, 5 किलो राशन, फिर विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन, विदेशों से रिश्ते मजबूत, ये सारी चीजें जो है भारत सरकार ने किए हैं।
2014 के बाद सबका साथ सबका विकास हुआ है। विदेशों से इतना रिश्ता मजबूत करवा लिया आप लोगों ने टीवी पे बैठ के कि नेपाल फायरिंग करके चला गया। हाँ। नेपाल फायरिंग करके चला गया, नहीं किया था, नहीं किया था। हाँ। खोलिए गूगल, किया है कि नहीं? हाँ। नहीं तो आपको, नेपाल आपको... का रिश्ता मेरा ये नहीं है। हाँ। ब्लेम नहीं है। हाँ। पर नेपाल का रिश्ता हमारे भारत के साथ कैसा था, आज कैसा है? ठीक है, आज वो भी बोलने लगा है, फायरिंग करने लगा है, और आप बता रही हैं रिश्ते मजबूत है, और डिजिटल इंडिया की बात करती हैं आप। हाँ, 5G तो चला रहे हैं। ओहो, डिजिटल इंडिया की बात तो सुनिए। हाँ। आप कैशलेस इकोनॉमी की भी बात करते हैं। हाँ। लेकिन हम जनता में आइए। हाँ। तो आज भी 30-35% असाक्षरता है। हाँ। ठीक है, नहीं है तो नहीं। मोदी जी आके आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी आके सबका हाथ पकड़ के पढ़ा है। अमिताभ बच्चन जी 40 कई मैंने देखा कई सालों तक टीवी पर आए। हाँ। और उन्होंने कहा देवी और सज्जनों शौचालय घर में बनवाइए, बाहर न जाइए। हाँ। तो उनका तो समझते समझते लोग समझ नहीं पाए। हाँ। तो विद्या बालन जी आ गई। हाँ। वो बोलने लगी कि शौचालय घर में बनवाइए। हाँ। बाहर न जाइए। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब है। हाँ। कि जब हम जनता को शौचालय के लिए भी सिखाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि कैसे हमको स्वच्छ ये करना है, उसी तरह डिजिटल इंडिया को डिजिटलाइजेशन कैसे करना है, पहले हमें ट्रेनिंग तो दो। मैंने स्किल इंडिया की भी बात की। अगर आपके पास टैलेंट रहेगा, सुनिए कलीम जी, अगर आपके पास स्किल रहेगा तो आपको नौकरी भी मिलेगी। आपके पास तो पत्रकारिता का स्किल नहीं है, लेकिन पत्रकार तो बन गई हो ना। तो सुनिए मेरी बात, स्वेता सिंह के पास स्किल है ना? आप बात तो सुन नहीं रही हैं। आपके पास पत्रकारिता का स्किल नहीं है, फिर भी आप पत्रकार बन गई हो। और हम जनता के जो युवक है, हमारे नौ युवक गांव-गांव में स्किल है। हाँ। वो जाके तो देख नहीं रही हो। अच्छा, तो जब खुद में पहले झांको, फिर हम जनता पर आरोप लगा। कलीम जी तो कौन, स्वेता सिंह तो है ना, जिन्होंने कहा था चिप है, तो पटना टीवी वाले पटना में पकड़ा गई ना। हाँ। हाँ, तो क्या केस कर दूंगी, मैंने तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे देखा था। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान हमारे बच्चों को, हमारे देश को पढ़ाओगी तुम? हाँ, तो तुम्हारे इसलिए तो हम निकले हैं बाहर। तो आपके हिसाब से कौन पत्रकार है? पत्रकार वो है जो नोट में चिप ढूंढ रहा था, तो और पत्रकार वो है कि जो एक अपराधी पेशाब कर रहा है तो उधर कैमरा लेके खड़ा है। पत्रकार वो है कि जो बोलता है कि अच्छा, जनता जिम्मेदार है, जनता पुल गिरने में। सुनिए, वो है जो पत्रकार जो किसी माँ बहनों पर यौन शोषण का आरोप लगता है तो वो कहता है कि पहले जाओ चुनाव में, चुनाव जीत के आओ। हाँ। फिर चुनाव जब जीत के आओगी तब इंसाफ की बात करना। हाँ। तो है, ये सब पत्रकार हैं। अच्छा। आप लोग तो फर्जी पत्रकार। अच्छा, सुनिए कलीम जी, आपने कहा कि ट्रेन का जो हादसा हुआ इसका सरकार जिम्मेदार है, लेकिन आप सरकार की तारीफ। ना, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा हम जनता जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये तो आप तंज कर रहे हैं। ना ना, लेकिन ना, ये तो आप तंज कर रहे हैं। हम जनता जिम्मेदारी ले रहे हैं। सुनिए, लेकिन आप ये भी तो बात कहिए कि जो बुलेट ट्रेन है, हम जनता की बेटी, हम जनता की बहन बेटियों पर, सुनिए तो, हम जनता की बहन बेटियों पर यौन शोषण का अगर कुछ मामला आता है तभी तो आप ही लोग तो कहते हो ना जाओ चुनाव लड़ो और चुनाव जीत के आओ तब इंसाफ की बात करना और इंसाफ लड़के लेना। ये आप लोग कहते हो नहीं कहते हो? हम लोग तो नहीं कहते। ब्लैक एंड व्हाइट में कौन दिखा रहा है? तो वो तो सुधीर चौधरी बड़े पत्रकार। आप कौन से पत्रकार हो? हम लोग तो छोटे मोटे पत्रकार हैं, हमारा क्या है? अच्छा, हमारा कौन सुनता? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भैया कोई जिम्मेदार नहीं है, हम जनता। अच्छा, ये बात तो मानेंगे ना, वंदे भारत जो है उन्होंने, मोदी जी ने चलाया, प्रधानमंत्री ने हमारे चलाया। प्रधान जी, क्या 2014 से पहले था वंदे भारत? प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, गैंगमैन बन गए हैं। हाँ। हरी झंडी लाल झंडी दिखा रहे हैं, बाकी रेल मंत्री का कुछ काम ही नहीं बचा है। हाँ, तो वो तो बॉर्डरों पे भी जाते हैं। 10 किलोमीटर का सड़क बन जा रहा है तभी भी प्रधानमंत्री वहाँ खड़े हो जाते हैं, भाई हटो सब, मेरे को करने दो, फोटो आने दो। ना, सुनो तो, 1 किलोमीटर का नाली गटर बन जा रहा है वो भी प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। हाँ, तो बताइए ये सब, बाकी जो सांसद विधायक और पार्षद प्रधान ये लोग का काम क्या रह गया है? हाँ, हर उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का काम बड़े बड़े संस्थानों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, पर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? बनाया ना संसद भवन, वहाँ पे हमको नौकरी मिल जाएगी युवक को,
हमारे जो नौजवान है मिल जाएगी। नाम तो हो रहा है कि इंडिया में इतना बड़ा सांसद किडनी बेच के हमारा नाम कमाएंगे। बेच दिया, बेच तो दिया जनता का, क्या रह गया हमारे पास, क्या रह गया है। बहुत कुछ रह गया है, बस एक कच्चा बचा है। अच्छे दिन के नाम पर एक कच्चे दिन बची है, एक कच्चा बचा है। हम तो बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भाई रहने दो, वो मत छीनो हमसे, नहीं तो फिर पत्ते लपेटने पड़ेंगे हमें। अच्छा, हाँ, तो आप इतना नाराज क्यों हैं मोदी? ना नाराज क्यों हैं, इतने लोग हैं बताइए, कमाई अगर 400 रुपया 500 रुपया कमा के ले जाते हैं, उनके पास सुबह में 1-10 रुपया नहीं बचता। ये स्थिति हमारा देश का, हमारा मिडिल क्लास का। और तुम क्या कर रहे हो, क्रीम पाउडर लगा करके आ रहे हो, देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ, हमें नहीं देखना तुम्हें। अच्छा, हाँ, तुम हमारी हालात देखो। अच्छा, यही तो जनता है, देखिए। हाँ, दिखाइए भाई, ये क्या चाय पे चर्चा में हम बोल रहे हैं ना, लोग समर्थन भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब बताइए, आप लोग क्या दिखा रहे हो, हिंदू मुस्लिम? हाँ, हाँ? पाकिस्तान, तभी आपने देखा नहीं, साहिल ने मर्डर कर दिया। हाँ? तो आप उसका समर्थन तो कर रहे होंगे, साहिल ने जो किया है। हाँ, आप कर रही हैं क्या? नहीं, मैं क्यों करूंगी? तो आप ही तो कर रही हैं, मैं तो कह रहा हूँ अपराधी कोई भी है उसको लटकाओ। तो आप कह रहे हैं उनको फांसी होनी चाहिए? कितनी बार कहा, मैं कई चैनलों पे कहा हूँ। हाँ। और इस तरह का जो है समाज में, इस तरह का मानसिक रोगी रहना भी नहीं चाहिए, रहना चाहिए जिससे हमारी बहन बेटियों को खतरा हो। हाँ। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी पे बोले, तो केजरीवाल पे भी बोलिए, दिल्ली में ऐसा हो रहा है घटना। हाँ, दिल्ली में ऐसा घटना हो रहा है, लगातार हो रहा है। 2012 दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार केजरीवाल है, नहीं, एलजी है। तो केजरीवाल पर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको पत्रकारिता सीख क्या हुआ? तो बोल तो रही है ना अमित शाह, ना आपको पत्रकारिता नहीं, लेकिन वहाँ पे उस, अगर आप मोहल्ले में कल गई थी वहाँ पे शाहबाज डेयरी, वहाँ पे जब गई तो वहाँ पे सिर्फ ये मामले नहीं है, मैंने आपका वो वीडियो देखा। हाँ। और उसमें एक औरत कह भी रही है। हाँ। कि हम इस तरह से माहौल नहीं चाहते हैं। अच्छा, हमारे वो वीडियो देखी है। तो वो बात क्यों नहीं कहा आपने? हाँ, कह रही है। तो वो बात आपने क्यों नहीं कहा? तो मैं आपसे जानना चाहती हूं, हम आप लोगों को बराबर, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना। हाँ। कि कौन मीडिया ग्राउंड पर है। हाँ। इसीलिए हम जनता राउंड पर है। अच्छा, इसीलिए हम आपको भी वॉच करते रहते हैं कि आप लोग कर क्या रहे हो, कौन सा खबर। मैंने जो किया वो सही किया या सही किया, लेकिन जो औरत बता रहे थे वहाँ के रहवासी कि हमारे जो ये सांप्रदायिकता माहौल बनाया जा रहा है, तो वो हम नहीं चाहते हैं। ये कहा था, नहीं कहा था, तो वो हम जनता नहीं चाहते हैं। जबरदस्ती आप लोग मत बनाओ, हमारे देश का माहौल खराब मत करो। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हालांकि जब हम लोग कल शाहबाद डेयरी गए, तो वहाँ पे जब लोगों से बातचीत की कि किस प्रकार से टीवी चैनलों में जो साक्षी और साहिल का जो ये घटना है, इस पे जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम लव जिहाद फलना ढिमकाना जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसको वहाँ की जनता ने साफ मना कर दिया, बोला है यहाँ पे हिंदू भी कर सकता था और मुस्लिम भी कर सकता था। हालांकि मैं आपको नया अपडेट दूँ, तो वहाँ पे एक मुस्कान नाम की लड़की की भी इसी तरीके से मौत हुई थी, लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं हुई क्योंकि वो लड़का मुस्लिम नहीं था। लेकिन खैर, कलीम शेख जी हैं, ये भी मुस्लिम है, लेकिन इसीलिए मैं धर्म से आप मत जाओ, इसीलिए मैं आपको टारगेट करता हूँ, याद रखो। अच्छा, आप धर्म, आपको हिंदू मुस्लिम हमारे बीच में नहीं है। हाँ। तुम फैलाओ मत मैडम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन हाँ। लोग आप टीवी पे देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है। टीवी इसीलिए तो ढूंढ रहे हैं। हाँ। कि अच्छा एक बात बताओ। हाँ। आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो हम जनता के बीच में बैठ करके आप ये माइक पकड़ के मुझसे बात कर रहे हैं। अगर ये जो टीवी पे बैठ के कर रहे हैं वो बैठे होते ना, तो अब तक जूते गिनते थक गए होते, कितने पड़े हैं। तो आप जूते मारेंगे? आप पूरी जनता मारने वाली है। अच्छा, हाँ। तो इस बार जूते मार, क्योंकि हम जो जनता है ना। हाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हाँ। हम ये नफरत नहीं चाहते हैं। हाँ। और ये टीवियों पर नफरत देख करके ना हमको पसंद नहीं आ रहा है। अभी भी हम इनको बार बार समझा रहे हैं कि भाई तुम इस देश के लोकतंत्र के चौथे पिलर हो। हाँ। और अगर एक पिलर धराशायी होगा तो घर भी धराशायी हो जाएगा। अभी जिस प्रकार से उड़ीसा में जो घटना हुई है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या कदम लेना चाहिए? पीड़ित परिवार के लिए क्या होना चाहिए? जैसा कि हमने अभी आईवाईसी में मैं तो समझा, वहाँ भी प्रधानमंत्री पहुँच गए हैं। हाँ, है। तो अब जब जादूगर पहुँच गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब सीधा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो कौन सी सरकार आएगी जिस प्रकार के इस तरीके की घटना नहीं होगा? क्या करना चाहिए सरकार को? नहीं, हमको को करना पड़ेगा, जनता को, सरकार को नहीं। हाँ,
क्योंकि हम जनता अगर सरकार का कान पकड़े रहेंगे ना 5 साल तो बराबर चलेगी वो। अच्छा। इसीलिए हम निकले हैं। तो सरकार बेवकूफ क्यों बन रही है? सरकार बेवकूफ नहीं है, हम जनता बेवकूफ बना रही है सर। क्यों बन रही है जनता बेवकूफ? क्योंकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको हिंदू मुस्लिम का अफीम चटा के नशे में घुमा दिया जा रहा है। हाँ, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो मस्त अपना बैठ के घर में आराम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है, हमने बातचीत की अभी कलीम शेख जी से, इन्होंने कहा कि धर्म का जो नशा है वो बहुत गंदा नशा है, लोगों में फैलाया जा रहा है और अपनी धर्म की राजनीति की जा रही है। जो टीवी चैनल्स वाले जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन उससे पहले जो उड़ीसा में जो अभी घटना हुआ है उस पर हम लोग बहुत चिंतित हैं, हमारी जो पीड़ित परिवार है उससे संवेदनाएं हैं। वो इतना दिल दहल जा रहा है देख के घटना को, इतना ज़्यादा कि उसमें कौन कहाँ जा रहा था, किस मुसीबत में जा रहा था, कोई किसी की मैयत में भी जा रहा होगा, कोई किसी का बीमार सीरियस होगा उधर भी जा रहा होगा, और अचानक ऐसी हादसा हो गई। तो ये बताइए, ट्रेन का जो पटरी चेंज करने का, कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे जाएगी, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। तो उनके कहीं ना कहीं लापरवाही से तो हुआ है ना। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये लोग, ये इस तरह की जो जिम्मेदारी है, जो कर्मचार सत्ता की हो चाहे कर्मचारी की हो मीडिया की हो, सब अपने अपने प्रति जिम्मेदार बने तो हम जनता खुशहाल हो जाएंगे। पीड़ित परिवार उसको पैसे देंगे, किसी की जान की कीमत आप पैसे से लगा सकती हो? अगर सरकार मेरा, अगर कोई उसमें आपका घर का, मेरा घर का किसी जान की क्षति हो गई, हाँ, तो उसको 2-3 लाख रुपए सरकार दे देगी, तो क्या मेरे घर का गया हुआ जो जान है, मेंबर है, वो उसकी भरपाई कर सकता है? ये आप बताइए। एक बहुत बड़ा सवाल है जो कानून व्यवस्था और वहाँ के प्रशासन पे उठाया जा रहा है, वहाँ पे जो कार्यरत उस समय जो लोग थे स्टेशन पे, उस पर भी सवाल उठ रहा है कि अगर वो लोग थोड़ी सावधानी से रहते तो इतना बड़ा जो घटना हुआ है वो टल जाता। खैर, अभी वहाँ पे एक दिन की शोक शांति की वजह से वहाँ उड़ीसा बंद है, वहाँ की सारे ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। हमने बातचीत की कलीम शेख से, इन्होंने बताया कि अगर सरकार थोड़ी सी एक्टिव हो, अगर वहाँ के प्रशासन एक्टिव हो, वहाँ पे जो कार्यरत थे प्लेटफॉर्म पे उस स्टेशन पे, अगर वो थोड़े से एक्टिव होते तो शायद ये घटना नहीं होता। हालांकि आपको बता दें कि जो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वो भी वहाँ पहुँची हैं, अश्विनी वैष्णव वहाँ पहुँचे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पे पहुँचे हैं, और IYC कांग्रेस जो है यूथ कांग्रेस वो वहाँ पे कल से ही ब्लड डोनेट करने का काम कर रहे हैं। ये तमाम अपडेट्स हैं जो हमने आपको दी। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।